हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फरमान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से कि ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए ज़रूर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि यूट्यूब का भविष्य खतरे में है, और मैं जो बताने वाला हूँ ऐसा क्यों कहा, आप कहोगे कि फरमान भाई क्या बताने वाले हो, तो मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न मतलब YouTube पर मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि YouTube के जो व्यूज़ है वो कम होते जा रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्यों कम हो रहा है। तो आप देखिएगा जो बड़े से बड़े यूट्यूबर हैं जैसे टेक्निकल गुरुजी, उनके 13 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने को, और अब जो है उनके व्यूज़ पर डे के कुछ ऐसी लाख कुछ ऐसे होंगे, मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं देता ध्यान, और उनके मतलब व्यूज़ इतने सब्सक्राइबर होने के बाद लेकिन इतने व्यूज़ नहीं आते, तो मतलब अच्छे खासे आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब सही है। और उनके मतलब यूट्यूब पे व्यूज़ कम क्यों हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है भाई टिकटॉक। टिकटॉक जो है, जैसे कि आपके आप नोटिस करना, अगर आपके घर में कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई एंड्रॉयड डिवाइस, आईपैड, मतलब कुछ भी है, तो उसमें टिकटॉक का एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल होगा। तो उससे क्या है कि आप जब टिकटॉक चलाते हो तो टिकटॉक पर आप टिकटॉक चला रहे हो, टिकटॉक पे वीडियो 5 सेकेंड 50 सेकेंड की वीडियो इस तरह की आती है, आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलता है, एक से एक वीडियो। आप अगर उसे स्वाइप करते जाओगे तो आपका मन ही नहीं करेगा उसे बंद करने के लिए। क्यों? क्योंकि उस पर एक से एक वीडियो आती है। और यूट्यूब का ऐसा सिस्टम है भाई, यूट्यूब पर अगर आप 4 से 5 मिनट अगर आप वीडियो चलाओगे तो तब जाके आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा। यानी अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए यूट्यूब पर तो आपको 4 से 5 मिनट वीडियो देखना ही होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। या अगर उसको आप भगा भगा के देखोगे तो वही आपकी इच्छा भाई, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो भाई मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देना चाहूँगा। जैसे कि टिकटॉक है, टिकटॉक पर मतलब अगर आप इंटरनेट पर कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो इंटरनेट पर, तो भाई मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक टिकटॉक अकाउंट बना लो। आपको क्या फरमान भाई ऐसा क्यों बोला है? भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक तब आया था तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। पहले क्या होता था, तब टिकटॉक आया था तो वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप देता था। उससे क्या होता था, स्पॉन्सरशिप देने के बाद मतलब उनके एप्लीकेशन को फैलाना था। और अब क्या है, अब वो नहीं देता मेरे ख्याल से। और अब जो है टिकटॉक नंबर वन प्ले स्टोर की नंबर वन ऐप है वो, और वो नंबर वन पे बन गया। मतलब अभी बैंड लग गया था टिकटॉक पर, लेकिन अभी भी उस वो प्ले स्टोर की नंबर वन ऐप बन गया। और अब इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ इंटरनेट पर करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो, तो प्लीज़ टिकटॉक अकाउंट बना लो, ना जाने कब आपका सितारा चमक जाए। क्योंकि टिकटॉक कभी किसी को घर गिफ्ट करता है, किसी को गाड़ी गिफ्ट करता है, किसी को कार गिफ्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है। अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो आप देखना बीबी की वैम, वो मतलब उनके काफ़ी सब्सक्राइबर है, उन्होंने करियर बनाने मेरे ख्याल से 4 से 5 साल लग गए। और आपको मतलब टिकटॉक पे जो आ रहे हैं मतलब नए नए बंदे 1 से 1.5 साल में ही मतलब अपना करियर बना लेते हैं। यानी यूट्यूब पर आप ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब ज़्यादा कड़क कंपटीशन भी है, ऐसी बात नहीं है, टफ कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा, और टिकटॉक पर भी है, लेकिन टिकटॉक जो है वो जल्दी ग्रो कर जाता है आपका टिकटॉक अकाउंट। लेकिन तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक यूट्यूबर है, कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ टिकटॉक अकाउंट बना लो, शायद आप वहाँ पर भी कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं अपना टिकटॉक अकाउंट बना लूँगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा, और टिकटॉक डाउनलोड करने के लिए भी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।